हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप 10 से 12 साल की लड़की के लिए अम्ब्रेला प्लाजो बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड में करके बिछाया हुआ है। अब इसके बाद हमें कपड़े के किसी भी एक किनारे को उठाकर इस तरह से तिकोने में फोल्ड कर लेना है। और अब इसके बाद हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी हिप है उसको हमें 4 से डिवाइड कर लेना है और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी हिप है वो है 30 इंच। तो 30 को 4 से डिवाइड करने पे आता है हमारा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और 8 इंच पर हम इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेंगे। और अब उसके बाद ऊपर से हमें इस निशान तक नाप कर देखना है। तो ये निशान मेरा 10 इंच पर आ रहा है। तो हर 10 इंच पर हमें इसी तरह से निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद हमें इस निशान को मिला लेना है। तो यहाँ पर हिप के लिए मैंने निशान लगा लिया है और अब इसे हमें नाप कर देख लेना है। तो ये मेरा 8 इंच आ रहा है। अब इसके बाद हम अपने आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी हिप है उसका हमें एक तिहाई हिस्सा आसन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारी हिप है 30 इंच, तो जिसका एक तिहाई हिस्सा होगा हमारा 10 इंच। और 1 इंच की हम ऊपर से बेल्ट बनाने वाले हैं। तो इंची टेप को हमें कमर के निशान से 1 इंच ऊपर रखना है। और यहाँ पर मैं 10.5 इंच पर आसन के लिए निशान लगा रही हूँ। आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर मार्जिन कर लिया है। और उसके बाद यहाँ से मैंने करीब 1.5 इंच पर एक निशान लगाया है। अब इसके बाद इस निशान को हमें ऊपर कमर वाले हिस्से से जोड़ना है। और अब यहाँ से मैंने करीब 1.25 इंच पर एक निशान लगाया है। और यहाँ से अब हम आसन के लिए हल्की सी कर्व शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा आसन का भी निशान लग चुका है। अब इसके बाद हम प्लाजो की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे प्लाजो की लेंथ है वो है 33 इंच। तो यहाँ पर हमें इंची टेप को 1 इंच कमर वाले निशान से ऊपर रखना है और 33 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हमें हर 33 इंच पर निशान लगा लेना है और उसके बाद हम इस निशान को मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा जोड़ वाला हिस्सा है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्लाजो की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमें इस तरह से इसे खोलना है। अब इसके बाद हमें इसके दोनों आसनों पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच के मार्जिन से एक तरफ आसन पे सिलाई लगा ली है और इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरे वाले आसन को भी जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों आसनों को स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें आसन वाले हिस्से से दोनों पैरों की तरफ सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने जॉइंट से जॉइंट को मिला लिया है और अब यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से मैंने सिलाई लगाई है और उसके बाद हमें इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से हमें पूरे प्लाजो को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से इस पे भी डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैरों की तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम अपने कमर का राउंड नाप कर देखना है। तो यहाँ पर इंची टेप से हमें इस तरह से इसका राउंड नाप कर देख लेंगे।
तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 36.5 इंच। तो हमें कपड़े को करीब 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की डबल चौड़ी पट्टी ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच। अब यहाँ पर हमें अपने प्लाज़ो की रॉन्ग वाली साइड लेनी है और उसके बाद इस कपड़े की जो सीधी वाली साइड है इसे हमें इसके ऊपर रखना है और 1 इंच कपड़ा हमें यहाँ से छोड़ते हुए इस पर 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी को कमर के साथ स्टिच कर लिया है और यहाँ से जो हमने 1 इंच का कपड़ा छोड़ा था इस पर हम स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ से हमें 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार और फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है पूरे कमर पर। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है और 1 इंच का कपड़ा मैंने यहाँ पर इलास्टिक के लिए छोड़ा है। अब इसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और अब हमें यहाँ पर अपने हिप के अकॉर्डिंग इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पर जो हमारी हिप है वो है 30 इंच। तो 30 का हमें 2/3 हिस्सा लेना है। तो 30 का जो 2/3 हिस्सा होगा वो होता है हमारा 20 इंच। तो हमें यहाँ पर 20 इंच की इलास्टिक लेनी है और 1 इंच यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है। तो यहाँ पर 21 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं इसकी इलास्टिक की कटिंग कर लूँगी। और अब इसके बाद हमें एक सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को बेल्ट के अंदर डालना है। तो यहाँ पर हमने अपनी इलास्टिक डाल ली है। अब इसके बाद हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है और अब सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा 1 इंच कपड़ा हमने छोड़ा था इस पर भी सिलाई लगा लेंगे और अब इसके बाद हम इलास्टिक पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इलास्टिक को खींचते हुए पूरे कमर पे हम सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक पे भी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसका घेरा फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से पूरे घेरे पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इस तरह से एक बार और कपड़े को इसी तरह से फोल्ड करना है और इस पर भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे घेरे पर सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें अपने दूसरे वाले घेरे पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी प्लाज़ो बनके कंप्लीट हो चुकी है और स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।